प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए अय्यूब की किताब पहले अध्याय की 20वीं पद पढ़ने के लिए चाहता हूं। जॉब चैप्टर 1:20। तब अय्यूब उठा और बागा फाट सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। अय्यूब का किताब में उसमें रहने वाला अय्यूब और अय्यूब का परिवार के बारे में हम इस अध्यायों में हम पढ़ते हैं। अय्यूब बहुत बड़ा एक भक्त था। उसको 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसका पत्नी का साथ में बहुत सुंदर जीवन जी रहे थे, लेकिन अचानक उस परिवार को ऊपर बहुत बड़ा परीक्षा कष्ट आए। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें अय्यूब विजय पाते हैं। स्वर्ग में शैतान और परमेश्वर का सन्निधि में जाते हुए इस प्रकार कहते हैं, अय्यूब का जो आशीष है और दूर करें तो परमेश्वर को इंकार करेंगे, श्राप देंगे। तो परमेश्वर उस शैतान को अय्यूब का ऊपर परीक्षा करने के लिए दे रहा है। अय्यूब का जीवन में इतना बड़ा कष्ट दुख हुआ है उसका पाप का वजह से नहीं है, और उसका खरा जीवन को प्रकट करने के लिए इस घटना हुआ है। मैं इसका संबंध में 4 बातें बोलने के लिए चाहता हूं। पहली बात है कि अय्यूब का बारे में परमेश्वर गवाही दिया। उसका पहले अध्याय के 8वीं आयत में इस प्रकार की पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। पहली बात है कि परमेश्वर उसको गवाही दिया, वो खरा है, वो भाई मानने वाला है, सीधा रहने वाला है, मेरा भक्त है, उसको ऊपर तुम ध्यान रखा क्या नहीं। शैतान भी गवाही दिया, वो बहुत खरा सीधाई में रहने वाला है, लेकिन शैतान उसको परीक्षा करने के लिए चाहता। इस प्रकार परमेश्वर का पास में अनुमति मांगते हैं। अय्यूब के बारे में गवाही तो एस्केल की किताब में भी लिखा हुआ है, 14:14 पद में, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। 3 भक्त पुरुषों के बारे में लिखा हुआ है, उसमें अय्यूब का नाम हम दे सकते हैं, नूह अपने परिवार को बचाने वाला एक व्यक्ति है, दानियल अपने और साथ में रहने वाला भाइयों को बचा लिया, अय्यूब अपने मित्रों को बचा लिया, इसलिए ये लोग धर्मी लोग हैं।
सच्चे एक गवाही जीवन हम इसमें दे सकते हैं। शैतान आकर इस प्रकार परमेश्वर के पास में कहा, तूने तो उसका काम पर आशीष दी है, इसलिए ये सब भक्ति में रहता है। इस भक्ति को दूर करने के लिए उसका आशीषों को दूर करे। याकूब का पत्री में इस दूसरी बात हम दे सकते हैं, क्योंकि हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपरी से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलते हैं। ये दूसरी बात है, परमेश्वर उसको आशीष दिया है और इस आशीष को दूर करो तो क्या हो सकता है। और अय्यूब इंगार करूंगा परमेश्वर को श्राप देंगे, तो उसका सारे संपत्ति को नष्ट कर दिया, जानवरों को नष्ट कर दिया, उसका बेटी बेटे उनका मृत्यु हो गया। ये सारे बातों का पश्चात अय्यूब ने क्या किया है, ये है तीसरी बात हम देखते हैं। तब अय्यूब उठा और भागा फाट सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और धन्यवाद करके कहा। यहां हम देखते हैं उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया, मतलब उसने इस परिस्थिति में आराधना किया। हमारे जीवन में इस प्रकार की एक परिस्थिति हो तो हम उसकी आराधना करते हैं क्या? नहीं, हम दुखी होकर रहेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में उसको दुख तो है, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद की। तीसरी बात हम देखते हैं, उसने परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला एक भक्त है। कोई भी परिस्थिति में उसने परमेश्वर को धन्यवाद करता है। दाऊद का संबंध में देखते हैं, तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर धन्यवाद की। दाऊद का बेटा मरने का बाद भवन में जाके, परमेश्वर का भवन में जाके उसने आराधना किया। हम देखते हैं अय्यूब का जीवन इस प्रकार की एक भक्तिमय जीवन था। चौथी बात हम देखते हैं और पहले अध्याय की 22वीं कलम में, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ये सारे बातों का पश्चात उसने एक शब्द परमेश्वर का विरोध में नहीं कहा। यह है याम की बात। और उसने समझ लिया, ये आशीषों को ऊपर आशीष देने वाला प्रभु वो है मेरे सर्वोत्तम। हमारे जीवन में हमारे जो भौमिक भौतिक आशीषों नष्ट होएगा तो हमारा मुंह से क्या बातें निकलेंगी, हम इस प्रकार देखते हैं। हबुक का पुस्तक में हम देखते हैं, हबुक इस प्रकार बोलते हैं 3:17 में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलदावों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरी ना रहे और ना तानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा का कारण आनंदित और मगन हो रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अधि प्रसन्न रहूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब उसका इस प्रकार कहते हैं, अगर अंजीर नहीं हो, दाखलदा जलपाई जो अन्न नहीं हो और भेड़ बकरिया नहीं हो, तभी मैं मेरे प्रभु के लिए जीवूंगा। अय्यूब के बारे में हम देखते हैं इस प्रकार के एक कठिन एक परीक्षाएं, जो सारे कष्ट एक साथ में उसके पास में आए, लेकिन उसमें उसने एक भी शब्द परमेश्वर को ऊपर विरोध में नहीं बोला। इसमें एक बात हम समझते हैं, और जो आशीषों में नहीं अय्यूब का दृष्टि और उसका जो सनातन ईश्वर को ऊपर उसने दृष्टि लगाकर उसने जिया। प्रभु सहायता करे अपने जीवन में भी कोई प्रकार के आशीष को ऊपर नहीं, परमेश्वर को ऊपर हम ध्यान रखें जीने के लिए। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह।